नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के आरसीव्यास कॉलोनी इलाके में सोमवार दोपहर बैंक से 5 लाख रुपए की नकदी ले जाकर जा रहे बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर से अपाचे बाइक से आए दो बदमाश 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात से जहां पुलिस महकमे में खलबली मच गई, वहीं इलाके में भी दहशत का माहौल है। पुलिस बदमाशों का सुराग तलाशने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल लुटेरों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा पाया। सुभाष नगर थाना सूत्रों के अनुसार छोटी पुलिया निवासी प्रकाश 41 पुत्र मदनलाल जैन का प्रॉपर्टी के साथ साथ जैन ने पूर्व रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक से 3 लाख रुपए निकलवाए। इसी तरह 2 लाख रुपए एक अन्य व्यक्ति से लिए। जैन ने ये 5 लाख रुपए बैग में रखकर बाइक से रवाना हुआ। बैग बाइक की टंकी पर रखा था। जैन तरनताल रोड से होता हुआ मजदूर चौराहे से शीना सल्की की ओर जा रहा था। इस दौरान लाल रंग की अपाचे बाइक से आए दो बदमाश जैन से बैग लूटकर शीनार सर्किल की ओर भाग गए। बैग में नकदी के साथ ही आवश्यक दस्तावेज, चेक, स्टाम्प आदि भी थे। जैन ने वारदात की सूचना सुभाष नगर थाना पुलिस को दी। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया में जाप्ता मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी ली। पुलिस ने हुलिये के आधार पर बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी लगवाई है। साथ ही पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि लुटेरों का कोई सुराग पुलिस के हाथ लग सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग आज ऑफिस के काम से करीब 10 बजे घर से निकले थे और कोटक बैंक भी रुके, हम लोग बापू नगर भी रुके, अहिंसा बंगलोर भी रुके। रिटर्निंग में हम लोग कृषि मंडी के सामने स्थित आरसीबी दफ्तर के अंदर गए। कुछ मीटर टेस्ट वगैरह कराने थे, हमारे को सोलर के रिगार्डिंग मेरा बिजनेस है और प्रॉपर्टी का भी काम है मेरा। वहाँ से हम लोग निकल के आरसी व्यास स्थित हमारे सालाजी सुमित जी मारू के घर पे जा रहे थे। हम दोनों साथ में थे और इन दौरान पुराना मजदूर चौराहा दधीमती मेडिकल को क्रॉस करते ही पहले कोई दो जने TVS अपाचे बाइक थी ब्लैक कलर की विदाउट नंबर प्लेट की, और उन्होंने मेरे शोल्डर को टच किया हल्का सा। और एक सेकंड के लिए मैंने हाथ हल्का सा ऐसा किया जितने उन्होंने मेरे ऊपर जो बाइक के ऊपर जो बैग था उसको छीन लिया और बहुत ही स्पीड से वो भागे। हम लोग बहुत चिल्लाए भी थे, हमने बहुत कोशिश भी की पीछा करने की, लेकिन वो हाथ में नहीं आए। श्रीनाथ सर्कल से वो ओझल हो गए। कितना कैश कितना था? लगभग 5 लाख रुपये। और हमारे बहुत सारे स्टाम्प थे, डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे ऑफिस की सील्स वगैरह थी। मेरा प्रकाश सिंह भी भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर ANM संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ANM महिला कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने राजकीय अवकाश में वैक्सीनेशन कैंप में ड्यूटी लगाने, कोविड प्रोत्साहन राशि व सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही अन्य मांगे जिला कलेक्टर को सौंपी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल की जाएगी। संघ की जिला अध्यक्ष सुशीला सेन ने कहा कि हम ANM के तौर पर शहर में कार्य कर रहे हैं, विभाग द्वारा हमारी छुट्टी के दिन भी वैक्सीनेशन कैंप लगा दिया जाता है और जोर दिया जाता है कि वैक्सीन को खत्म करो। ऐसे में हम त्योहार भी नहीं मना पा रही, कैंप में चाय पानी की व्यवस्था भी नहीं की जाती, जिसके कारण हमें काफी समस्या होती है। इसके साथ ही वर्ष 2020 की कोविड प्रोत्साहन राशि, कैंप में सुरक्षा प्रदान की भी मांग कर रहे हैं, जिससे कि हम सुरक्षित वैक्सीनेशन कर सकें। और मैं महीनों के लिए लड़ाई कर रही हूँ क्योंकि उनका कोई समय नहीं है, टाइम नहीं है। जब मर्जी है वैक्सीन आ जाती है, छुट्टी भी हो तो छुट्टी के दिन भी आपको ये काम करना है, और अगर नहीं करेंगे तो आप इसको वैक्सीन को कैसे भी करके खत्म करो। हम कहाँ खत्म करने जाए, जहाँ है उनको सबको लगाना ही है टीका। और छुट्टी वाले दिन भी हमारे को एक दिन भी छुट्टी नहीं देते, क्योंकि हमारी हॉलीडे आता है उस दिन हमारे को अक्सर दवाई भेजते हैं और कि ये आपको लगानी पड़ेगी। तो हमारा कोई है नहीं क्या? हमारे भी तो बच्चे वगैरह सब है, सुबह से शाम तक हम बैठे रहते हैं फील्ड में, ना हमारे चाय पानी की व्यवस्था और ना हमारे कोई सहयोग करता है। और रही बात, हमारे पे इतनी पाबंदियाँ लगाते हैं कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे जब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते, तो क्या हम दवाई को हम पीवे हैं कि क्या करें? लोगों को हम दवाई टीका लगाते हैं, हमारा भी तो कुछ समय होना चाहिए। 8 बजे जाओ। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा समय हो और GH के दिन हम काम नहीं करेंगे। GH में हमारा अधिकार है, जो भी हमारा GH आएगा, हॉलीडे है, इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे। हमारी कब तक? अरे हमारे जो भुगतान राशि है इसकी जो मिलती है वो भी हमें नहीं मिला, इसके लिए हम सब के लिए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई है तो आगे अगला कदम क्या होगा आपका? क्या करोगे? बहिष्कार करेंगे, शहर में सीवरेज की वजह से सड़कों की हालत ऐसी खराब है कि कभी भी कोई हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता।
ऐसा ही हादसा होते होते रह गया, जहां पर वार्ड नंबर 64 में नगर विकास न्यास के पीछे बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल की बस रोड पर फंस गई। गनीमत रही कि बस की स्थिति ऐसी हो गई कि बस पलटी नहीं खाई, वरना बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता। पार्षद जगदीश गुजर ने बताया कि वार्ड में सिवरेज वालों ने जगह जगह लापरवाही कर रखी है, जगह जगह खड्डे कर रखे हैं। शिकायत करने पर सिवरेज के कर्मचारी ध्यान नहीं देते। जिला कलेक्टर इसी सभागार में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने सभी विभाग के अधिकारियों को बिजली संकट को देखते हुए कार्यालयों में बिजली को कम से कम उपभोग करने की बात कही। नकाते ने कहा, जिले में बेवजह बिजली की खपत ना हो, उन्होंने ऐसी व अन्य बिजली के उपकरणों को कम चलाने पर जोर दिया। साथ ही आमजन को भी इसके लिए जागरूक करने की अपील की। जिला कलेक्टर नकाते ने सभी अधिकारियों को प्रशासन गांव के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित कैंप में शत प्रतिशत उपस्थिति रखने पर जोर दिया, जिससे कि आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत देकर अभियान सफल बनाया जा सके। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से डेंगू बीमारी को लेकर अलर्ट रहने को कहा और डेंगू की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद को शहर के निरंतर अंतराल में साफ सफाई व फॉगिंग करने के निर्देश दिए, जिससे कि मौसमी बीमारियां फैलने की आशंका न रहे। नकाते ने अधिकारियों से जिले में हो रहे वैक्सीनेशन की प्रगति व राज्य सरकार द्वारा संचालित चिरंजीवी योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़कों को दुरुस्त करने, सामाजिक न्याय विभाग को कोविड से मृत्यु होने पर आश्रितों के पेंशन प्रस्ताव स्वीकृत करने की बात कही। नकाते ने श्रम विभाग के अधिकारियों से श्रमिक कार्ड बनाने पर चर्चा की और ई श्रम कार्ड अभियान पर जोर देने व जलदाय विभाग के अधिकारियों को चीले में पेयजल पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़क खुदाई करने के बाद जल्द दुरुस्तीकरण करने व पानी के सप्लाई को सुदृढ़ करने की बात कही। एम लाइंस पोर्टल के लंबित प्रकरणों का जल्दी जवाब भिजवाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा संचालित उद्यान व सामुदायिक भवनों की देखभाल के लिए लगाए गए ठेकेदारों की शिकायतों के बाद न्यास ने यह जिम्मा मोहल्ला कमेटियों को सौंपने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर शहर के सभी कॉलोनियों के गणमान्य नागरिकों की यूआईटी सेक्रेटरी अजय कुमार आर्य ने बैठक ली, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाएं, मीडिया जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की। समूह भारतीय युवा संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर विकास न्यास द्वारा संचालित उद्यान और सामुदायिक भवनों की देखरेख के लिए ठेकों पर दिए गए थे, मगर उनके द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय नहीं है और सामुदायिक भवन व उद्यानों की दयनीय स्थिति है। इसके लिए ठेकेदारों को सालाना लाखों रुपए के ठेके दिए जाते थे, मगर वह फिर इनमें कार्य नहीं करवाते थे। न्यास ने जो ये कार्य मोहल्ला कमेटियों को देने का निर्णय लिया वह सराहनीय है। यूआईटी सेक्रेटरी अजय कुमार आर्य ने कहा कि नई व्यवस्था को लेकर आज हमने सभी संस्थाओं से बात की है और उनसे सुझाव लिए हैं। हमारा प्रयास है कि इस योजना से पार्कों और सामुदायिक भवनों की स्थिति में सुधार होगा। आज ये प्रथम प्रयास था नगर विकास न्यास का, मोहल्ला विकास समितियों से, सामाजिक संगठनों से, एनजीओ से, हमने औद्योगिक घरानों को भी इन्वाइट किया था और जो व्यवस्था संस्थान है उनसे भी कहा था। एक प्रयास है और आज उनसे अच्छा संवाद हुआ है, बहुत सारे सुझाव निकल के आए हैं, उन पर जल्दी काम करते हुए नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेंगे। शहर में डेंगू के दिनों दिन बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा विभाग मुस्तैद हो गया है। इसको लेकर विभाग शहर के सुभाष नगर एरिया में 22 टीमें बनाकर घर घर सर्वे करवा रहा है। टीम आसपास के क्षेत्रों, पार्क और घर घर जाकर सर्वे कर रही है। इसके साथ ही जल भराव को लेकर भी यह टीम निरीक्षण करके वहां काले तेल टेमीफोस का छिड़काव कर रही है। भीलवाड़ा जिले में बीते 2 माह में 292 डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। डॉक्टर सुशील राजौरिया ने बताया कि डेंगू को लेकर विभाग के निर्देश पर आरसी व्यास, रामा विहार, आर के कॉलोनी क्षेत्रों में 22 टीमें बनाकर हम सर्वे करवा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र में खाली स्थानों पर भरे पानी में लार्वा पैदा हो रहा है, वहां पर काले तेल टेमीफोस आदि का छिड़काव करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मकानों के लगे कूलर में भरे पानी को खाली करवाने, पानी टंकियों की साफ सफाई के साथ ही लोगों को पानी नहीं भरने की जानकारी दी जा रही है, जिससे डेंगू के मच्छर पनप नहीं सके। इस कार्य में CHANM आशा सहयोगिनी व नर्सिंग स्टूडेंट का सहयोग लिया जा रहा है। कोविड-19 के पहले लहर और दूसरी लहर में जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस प्रकार इस कोविड पे काबू पाया है और आज करीब करीब कोविड खत्म है, मगर एक दूसरी एक और बीमारी जो डेंगू है वो अभी चल रहा है, तो उसके लिए भी ये स्वास्थ्य कर्मी अपने कमर कस के तैयार हैं कि डेंगू को भी भगाएंगे। तो ये लोग घर घर जाके, पार्क में जाके, जहाँ भी इनको संभावना है कि डेंगू फैल सकता है, उसके लिए ये सारे
इंजाम लेके आए हैं कि डेंगू को किस प्रकार ख़त्म करें, जानते हैं इनसे कि डेंगू को किस प्रकार काबू पाएंगे। हाँ साहब, आपका शुभ नाम? भरत बारिक। आप ये डेंगू के लिए निकले हैं, किस प्रकार से क्या करेंगे? ये जो आप ऑयल वगैरह डाल रहे हैं क्या है? सर, ये जहाँ पर कहीं अगर पानी इकट्ठा हो, पार्क हो, गली में कहीं भी खड्डे हो, उसमें अगर पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उससे मच्छर होते हैं, तो उसमें काला तेल वगैरह ये डाल के जो मच्छर जिससे ख़त्म हो जाए वो करें। और दूसरी बात है कि हम जैसे सर्वे करने जा रहे हैं तो वहाँ हर घर में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपके कोई बीमार तो नहीं है, दो हफ्ते से किसी को सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं है। उसके अलावा अगर उनके घर के बाहर अगर गंदगी वगैरह कुछ भी हो तो उसको बोल रहे हैं कि आप सफाई रखो, आप खुद का ध्यान रखो, आप अगर बाहर गंदगी होगी, पानी होगा तो आप मच्छर होंगे, उससे पैदा मच्छर होंगे, उससे आप बीमार हो सकते हो। और ये डेंगू बहुत फैल रहा है, पहले कोविड था, अब डेंगू है, तो उसका बस ध्यान रखो आप। और ये सर्वे कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो बताएंगे हम ज़्यादा जाकर सबको सजेस्ट करेंगे कि अभी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसके लिए आपको आपकी सुरक्षा रखना सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य है। अपने घर में पानी इकट्ठा ना होने दें और गंदगी का पूरा ध्यान, सफाई का पूरा ध्यान रखें, गंदगी ना होने दें। और कहीं कभी पानी इकट्ठा हो तो उससे मच्छर फैल सकते हैं, आपके बच्चों को खतरनाक बीमारी से बचाना चाहिए। और उससे होने वाली जो भी परेशानी उसको अपने आस पास जाके और हॉस्पिटल जाके दवाइयाँ वगैरह लें और उसका ध्यान। अगर किसी को बुखार वगैरह कुछ हो तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आप देंगे उनको, क्या आपको सजेस्ट किया है? मेडिसिन वगैरह देंगे और हॉस्पिटल जाके उनको बताएंगे कहाँ जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं और इलाज करवाएँ डेंगू वगैरह बुखार अगर जुकाम खांसी जुकाम है तो आप उसका इलाज करें। हम इस रोग को रोकने के लिए हम घर घर जाके उनको मोटिवेट करेंगे और इस बीमारी के बारे में उसको बताएंगे कि यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है, उसके बीच उपचार के बताएंगे और उनको बोलेंगे कि समय समय पर ट्रीटमेंट कराते रहें, जांच करवाते रहें और अपने आसपास कचरा वगैरह इकट्ठा नहीं होने दें। ऐसे हम घर पर जाके मोटिवेट करते रहेंगे। इस टीम के साथ इनके इंचार्ज भी बराबर वाच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार ये डेंगू से निजात दिलाएंगे, बात करते हैं इनसे। बताइए सर, आप ये टीम इंचार्ज हैं, इनको किस प्रकार गाइड कर रहे हैं, क्या क्या इनको निर्देश दिए हैं? सर, हम हर वार्ड में जा रहे हैं, ऐसा कोई गली या मोहल्ला नहीं छोड़ रहे जिसमें हम सर्वे नहीं करें। हर गली वार्ड में जाके और पूरा डेमो को छोड़ के पूरा सर्वे कर रहे हैं। क्या इनको निर्देश दिए हैं आपने? कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा हो, कोई भी गमले वगैरह में हो तो उनको पानी को खाली करने के लिए बोल रहे हैं। रोड पे टेमेपोस वगैरह डाल रहे हैं, पौध वगैरह में। इनको कुछ दवा वगैरह भी दे रहे हैं जो? हाँ, मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, किसी की बुखार फीवर हो ना, हफ्ते से अधिक खांसी है तो स्पुटम लेके आते हैं हॉस्पिटल में, जाँच कराते हैं, टीबी वगैरह। टीम घर घर जाके डेंगू का सर्वे कर रही है और उनको सलाह भी दे रही है कि डेंगू खत्म करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, और ये तत्काल भी उपाय कर रहे हैं। इस प्रकार देखते हैं कि ये डेंगू से काबू पा लेंगे। मुलेमनोर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा। आज कल हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें डेंगू सर्वे के लिए CMHO साहब ने हमसे कहा था और उन्हें कहा था कि आपके जो भी वार्ड है उनमें समय ज़्यादा से ज़्यादा अपना घरों का सर्वे करना है, जनता को अपन को बचाना है डेंगू से, मलेरिया से। इसके लिए आज हमने UPSC सुभाष नगर में 22 टीमों को गठित किया है, जो हमारे जो 9 वार्ड्स है उसके अंदर वो जाएगी और घर घर जाके सर्वे करेगी, डेंगू मरीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी। सर्वे के दौरान वो घर में जाकर के पूछेंगे कि कोई वहाँ फीवर का केस तो नहीं है, अगर फीवर का केस होगा तो उनको वहाँ पैरासीटामोल की टैबलेट दे दी जाएगी और उसको कहा जाएगा कि आप अस्पताल में जाएं और डेंगू की जांच कराएं। घर में निरीक्षण के दौरान वो ये भी देखेगी कि कंटेनर वहाँ पानी के भरे हुए हैं कि नहीं है, कूलर है तो अगर उसको खाली करवाएंगे, उसमें कोई लार्वा तो नहीं है, अगर लार्वा है तो उनको समझाएंगे कि लार्वा बड़ा होकर के एडल्ट मॉस्किटो बन जाएगा और आपको बीमारियों से ग्रसित कर देगा, तो उनको घर वालों को भी समझाएंगे और उनको समझा करके डेंगू के बारे में जानकारी पूरी तरह से जानकारी देंगे और ये सर्वे करेंगे। डेंगू कितना, मतलब क्या सोचते हैं, कितना फैल रहा है? डेंगू के केसेस काफ़ी आ रहे हैं तो अपना प्रशासन का और CMHO साहब का यही सोचना है कि घर में सर्वे करेंगे, लोगों को भी अवेयर करेंगे कि घर में पानी जो भरा हुआ है उसको फेंके, 7 दिन में उसको फेंके ताकि वो
डेंगू की जो लार्वा है वो नहीं पनपे, एडल्ट मॉस्किटो में नहीं पनपे, और अगर एडल्ट मॉस्किटो बन गए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डेंगू फैलने की संभावना रहेगी। कितनी टीमें बनाई सर? अभी सुभाष नगर में आज अपन ने 22 टीमें बनाई गई है जो हमारे 9 वार्डों में गई है सर्वे के लिए गई हुई। शहर के बहरवानी परिवार द्वारा अपने प्रिय दिवंगत सदस्य जेठानंद बहरवानी की पुण्य स्मृति में सोमवार को अयोध्या के श्रीराम तीर्थ क्षेत्र हेतु 1,11,111.11 की राशि का चेक स्थानीय हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष रमेश सबनानी व भाजपा नेता कन्हैयालाल स्वर्णकार को सौंपी। सिंधी समाज के प्रवक्ता मूलचंद बहरवानी ने बताया कि स्वर्गीय जेठानंद बहरवानी की प्रथम पुण्यतिथि पर आश्रम में आयोजित स्मृति सभा कार्यक्रम में आगंतुकों ने स्वर्गीय बहरवानी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने अपने संबोधन में बहरवानी परिवार द्वारा अयोध्या श्रीराम तीर्थ क्षेत्र की सेवा की सराहना करते हुए स्वर्गीय बहरवानी के साथ के अपने संस्मरण साझा करते हुए प्रभु परमात्मा से उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में चीर शांति हेतु प्रार्थना भी की। कार्यक्रम की शुरुआत में आश्रम के संतों ने स्वर्गीय बहरवानी की आत्मा की शांति के लिए अरदास की गई। पंडित सत्यनारायण शर्मा ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ श्रद्धांजलि करवाई। उस दौरान संत माराम, जगतराम, आशा बहरवानी, लक्ष्मण दास बहरवानी, हेमदास भोजवानी, ओम प्रकाश बहरवानी, किशोर लखवानी, लोकेश बहरवानी, कमल बहरवानी आदि मौजूद थे। जेठानंद सुपुत्र जलारामन बहरवानी की पहली पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र उनके परिवार द्वारा श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र श्री धाम अयोध्या के लिए 1,11,111.11 का चेक आज पहली पुण्य स्मृति पे उन्होंने भेंट किया। उनके परिवार में परमात्मा राजा राम ऐसा आनंद करें जो सेवा और सिमरन कर अपने बड़ों का नाम ये रोशन करें। यही हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर से इनके लिए यही प्रार्थना है और भक्तों को यही शुभाशीष है। हरिओम। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वी दिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग बैग्स, हैंड बैग्स, आईब्रो, फोरहेड एंड अपर लिप्स। 1,000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, डिटेन, हैंड बैग्स, फुल लेग बैग्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड। 1,500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट हैंडल, फुल लेग बैग्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में कैरेटिन स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, या हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, एलजी मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वी दिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर।
पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल सुहाशकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। इंडियन शिख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा राजस्थान व युवा जनहित सेवा समिति फिलवाड़ा द्वारा प्रतिष्ठित व्यंग्यकार कवि पत्रकार एवं मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी फारूक आफरीदी को आचार्य श्री महाश्रमण की उपस्थिति में राष्ट्रीय अनुव्रत लेखक सम्मान से सम्मानित होने पर अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का के नेतृत्व में तेरापंथ भवन में शोर उड़ाकर एवं साफा पहनाकर इस्तकबाल किया। यूथ प्रदेश अध्यक्ष कयूम मोहम्मद सक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, चीला उपाध्यक्ष अब्दुल नसीर कुरेशी, चीला सचिव अब्दुल रहीम कुरेशी, संगठन मंत्री इरफान सिलावट, चीला सह सचिव मोहम्मद अयुब रंगरेज, उम्र दराज कुरेशी आदि उपस्थित थे। आसीन कस्बे में स्थित श्री भवानी ज्वेलर्स विनायक कंप्यूटर में अज्ञात चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखे चांदी के आभूषण मोबाइल व नकदी चुरा कर ले गए। आसीन थाना पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दुकान मालिक दीपक सोनी व गजेंद्र सिंह ने बताया कि वे रोजाना की तरह 7:30 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। करीबन रात को 3 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत की नींद खुली तो दुकान से शटर तोड़ने की आवाज आई, जिसकी सूचना गजेंद्र सिंह ने अपने पिता को दी। फिर पिता पुत्र दोनों उठकर दुकान के बाहर आए, तब तक चोरों ने सोने चांदी की दुकान में रखे आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलते ही दुकानदार दीपक सोनी मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। दुकान के अंदर जाकर देखा तो चांदी के कुछ जेवरात गायब मिले। जेवरात की अनुमानित कीमत 80,000 है। चोरी होने की शिकायत आसीन थाने में दर्ज कराई। चोरी की सूचना मिलते ही आसीन थाना अधिकारी मनोज जाट सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल श्री कोटड़ी श्याम दरबार में 23 अक्टूबर को पत्रकार संघ कोटड़ी द्वारा आयोजित होने वाले विशाल छप्पन भोग महोत्सव को लेकर सोमवार को शुभ मुहूर्त पर पंडितों ने संघ पदाधिकारियों की मौजूदगी में भट्टी का मुहूर्त कर छप्पन भोग बनाने का कार्य शुरू किया। पत्रकार संघ कोटड़ी के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, कार्यकारी भवानी शंकर चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिता बबलू पोखरना, सचिव दिनेश पारिक, संगठन मंत्री भेरू चौधरी, मीडिया समन्वयक बनवारी पाराशर राम नारायण शर्मा, कैमरामैन राजू रावणा व समाज सेवी राजू रोढ़ा, रामकरण जाट की मौजूदगी में भगवती गुजराती ने मंत्र उच्चारण के साथ भट्टी का मुहूर्त किया। इसी के साथ ही विशाल छप्पन भोग महोत्सव का आगाज हुआ। पत्रकार संघ कोटड़ी के सदस्यों द्वारा छप्पन भोग को लेकर खास तैयारियां की गई। सदस्यों सहित भक्तों में छप्पन भोग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। भट्टी मुहूर्त से पहले प्रभु श्री चार भुजानाथ के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर छप्पन भोग आयोजन की सफलता की कामना की। साथ भोग महोत्सव का आयोजन मेवाड़ के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री चार भुजानाथ कोटड़ी में रखा गया है। इसके लिए आज संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष भवानी शंकर चौधरी, कोषाध्यक्ष बबलू पोखरना, सचिव दिनेश जी पारिक, मीडिया समन्वयक बनवारी पारासर, संगठन के महामंत्री रामनारायण शर्मा, कैमरामैन राजू रावणा सहित कई पदाधिकारियों ने आज पंडितों के साथ मंत्रोच्चार के साथ भट्टी का मुहूर्त किया। इसी के साथ ये छप्पन भोग महोत्सव का कार्यक्रम का आज आगाज हुआ है। जो
भीलवाड़ा जिले के मानलगढ़ में राजकीय प्राथमिक मांडिया रेडी तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उन्द्रो का खेड़ा के 60 विद्यार्थियों को शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान की ओर से अध्यक्ष वंदना माथुर और सचिव विभा माथुर ने स्कूल बैग पुस्तकें नोटबुक स्टेशनरी इत्यादि पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई। कोरोना काल के कारण इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए स्कूल में पुनः प्रवेश लिया था तो इन्हें पाठ्य सामग्री की अत्यंत आवश्यकता थी। संस्थान को इसकी जानकारी मिलने पर बच्चों को स्कूल बैग और अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष वंदना माथुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है तो हमें जैसे ही पता चला कि इन विद्यालयों में बच्चों को कुछ समस्याएं सामने आ रही है तो संस्थान द्वारा बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की है ताकि इन बच्चों को भविष्य में पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी न हो। सचिव विभा माथुर ने बताया कि कोरोना के कारण बच्चों की बाधित हुई पढ़ाई को पुनः शुरू करने के लिए संस्थान द्वारा वंचित बच्चों को स्कूल सामग्री उपलब्ध कराई है ताकि इन बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। इस अवसर पर पूर्व संपर्क शंभूलाल पालीवाल, पूर्व सरपंच विजय तिवारी, बिजोलिया कांग्रेस आईटी सेल के संयोजक लाल सिंह बंजारा, कमलेश सैन, अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष कयूम लोहार, मालगढ़ ब्लॉक कांग्रेस सचिव आरिफ मीर आदि उपस्थित थे। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत सोमवार को बनेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत घरटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में शिविर लगाया गया। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा कृषि भूमि खाता धारकों के नाम में शुद्धिकरण तथा भूमि संबंधी अन्य विवादों का भी निपटारा किया गया। आवासीय पट्टों के लिए 58 आवेदन आए तथा 11 पट्टे जारी किए गए। वन परिवहन विभाग में सीनियर सिटीजन के लिए रोडवे बस पास के लिए 4 आवेदन आए। कृषि सामाजिक न्याय अधिकारिता, वन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की। शिविर में विद्यार्थियों के जाति मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनाए गए। शिविर में ग्रामीणों के काम मौके पर बनने से ग्रामीण खुश नजर आए। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह, विकास अधिकारी तहसीलदार गोपाल लाल जिनकर, उप तहसीलदार रायला शिल्पा चौधरी, भुवनी बद्रीलाल बलाई, चंद्रशेखर शर्मा पटवारी, राम सिंह सरपंच, जुम्मा देवी जाट सरपंच, प्रतिनिधि रणजीत जाट, ग्राम सेवक बजरंग बुरड़क आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु जनजाति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सिंह नायक एवं राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह बंजारा के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर लाल धाकड़ प्रदेश संगठन कार्यकर्ता के साथ लोकसभा विमुक्त घुमंतु जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला से भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष विमुक्त घुमंतु जनजाति रामेश्वर लाल धाकड़ ने 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने के दौरान विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए सभी जिलों में शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय खुलवाने, विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास एवं कल्याण बोर्ड में कोई बजट का प्रावधान नहीं है अतः प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रूपए का प्रावधान पूरे देश में लागू करने, इधर उधर भटकती हुई विमुक्त घुमंतु जनजातियों की हजारों बस्तियां सरकारी जमीनों पर बसी हुई है जिसको सरकार द्वारा कानून का डंडा चलाकर उजाड़ दिया जाता है। इन्हें नहीं उजाड़ने से पहले जमीन का पट्टा तथा मकान की व्यवस्था की जाने, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को अनदेखी नहीं करके उनके हितों की रक्षा हेतु लागू किया जाने, विमुक्त घुमंतु जनजातियों के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की पूर्ण व्यवस्था की जाने को लेकर पत्र सौंपा और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर लाल धाकड़ के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सुरावत, प्रदेश प्रतिनिधि प्रेमराज बंजारा, पन्नालाल बंजारा, समाज सेवी भगवत सिंह लुलाश, मुकेश प्रजापत बजरंगी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को माल्यार्पण व गुलदस्ता भेंट कर राजस्थान में विमुक्त घुमंतु जनजाति के हित के लिए चर्चा कर 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वर्ष 2021 के लिए सुपर 30 पटना के छात्रों ने इस बार जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा में इस बार भाग नहीं लिया लेकिन बिहार के पूर्व डीजीपी अभियानंद के मार्गदर्शन में संचालित संगम सुपर 15 एवं विद्या मंदिर क्लासेस फिलवाड़ा के संयुक्त प्रयास का परिणाम अभूतपूर्व रहा। इस वर्ष 14 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जिसमें से 10 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। भीलवाड़ा के सेंटर हेड मयंक शर्मा ने बताया कि सेंटर के देवेंद्र जोशी ने जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 2371 प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया। बाकी छात्रों में दिव्यांशु ने अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 883, मोहित दामा ने 864, गोविंद माली ने 2682, प्रियंका जाट ने 5194, सलमान खान ने
6547, रोहित प्रजापत ने 8598, तेज कुमार ने 8621 प्राप्त की है। अन्य सफल छात्रों में धीरज पवार व तनिक्षा सालवी विद्या मंदिर क्लासेस भिलवाड़ा की सफलता पर संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रधानाचार्य मधु नागपाल ने विद्या मंदिर क्लासेस भिलवाड़ा को बहुत सारी बधाइयां दी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रायला थाना क्षेत्र की सरेरी बांध व आसपास के गो सेवा संगठन के युवाओं द्वारा आसपास के क्षेत्र में घायल गोवंश का इलाज करवाया जाता है वे गौशाला पहुंचाया जाता है। बीती रात्रि को सनोदिया के पास हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही गो सेवा संगठन सरेरी के नौरत लोहार कन्हैयालाल वैष्णव को सूचना मिलने पर कार्यकर्ता को सूचना दी और गोमाता का उपचार के लिए बाड़ी माता गौशाला से एम्बुलेंस बुलाकर उसका उपचार करने के लिए गोमाता को बाड़ी माता गौशाला भेजा गया। इस दौरान गो सेवा संगठन हिम्मत सिंह राठौड़ सनोदिया कालू गुजर सरेरी कालू साहू सनोदिया फेरू लोहार कमलिया दीपक कुमार संदीप द्वारा घायल होने वाले गो माता को प्राथमिक उपचार करके गौशाला पहुंचा दिया गया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति द्वारा दंत रोग शिविर लगाया गया। शिविर वृद्धा आश्रम अपना घर केशव हॉस्पिटल पर लगाया गया। इस शिविर में बेहतर रोगी लाभान्वित हुए। सभी रोगियों की जांच कर सही सलाह दी गई वे जरूरतमंदों को दवाइयां दी। अध्यक्ष दयाल समदानी ने बताया कि सभी को जांच व परामर्श निशुल्क दिया गया। इसमें दंत रोग विशेषज्ञ हेमंत सिंह गांछा व डॉक्टर यशवंत सिंह ने सभी रोगियों की जांच की। इसमें श्याम सुंदर पारिक सुरेश चंद्र लादूलाल माली व घनश्याम डाट ने सेवाएं दी। भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा ने आरजिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया। यह जानकारी देते हुए शाखा अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने बताया कि संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत दोनों विद्यालयों के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 6 बालक बालिकाओं को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र देकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर दोनों विद्यालयों के 30 गुरुजनों को श्रीफल भेंट कर एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर दीप प्रज्वलन माल्यार्पण एवं सामूहिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुआ। प्रथम सहायक रामेश्वरलाल शर्मा ने सभी का स्वागत किया। परिषद के संस्कार प्रकल्प की एवं भारत विकास परिषद की जानकारी रजनीकांत आचार्य ने कहा कि संस्कारित बालक ही भारत का भविष्य है। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन विषय पर कार्यक्रम प्रभारी एवं मुख्य वक्ता अनिल गोयल ने गुरुकुल परंपरा गुरु की महिमा एवं गुरु शिष्य संबंधों पर प्रकाश डाला। शाला प्रधान दिनेश कुमार शुक्ला एवं विजय कुमार जैन ने परिषद द्वारा समाज में किए जा रहे समाज उपयोगी कार्यक्रमों की सराहना करते हुए आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। परिषद की ओर से बेटी बचाओ कार्यक्रम की शपथ ओम प्रकाश जागेटिया ने दिलाई एवं विद्यालय प्रशासन का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद राय चेचाने ने करते हुए परिषद के विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराई। राजकान जनगणमन के साथ कार्यक्रम का विराम किया गया। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद की भिलवाड़ा इकाई की संगोष्ठी आदर्श विद्या मंत्री शास्त्री नगर में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य के वक्ता अवनीश भटनागर मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सभागार में उपस्थित करीब 200 पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में कार्य करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर विजेता गर्ग ने बोलते हुए कहा कि बच्चों में संस्कार ही उनकी नींव होती है जो उन्हें आगे चलकर सही और गलत का फर्क बताती है। विशिष्ट अतिथि अजय आसरी ने कहा कि संस्कारयुक्त समाज ही राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रोशनलाल पीतलिया विशिष्ट अतिथि गोविंद कुमार प्रांत संगठन मंत्री ने पूर्व छात्र परिषद की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। विराट सोनी ने विद्यालय की कार्यकारिणी घोषित की। जिला संयोजक कर्मेश व्यास ने विगत 2 वर्षों में पूर्व छात्र परिषद के द्वारा किए गए सेवा कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा विजय राठी ने चलती रक्तदान शिविर आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में 11 पूर्व आचार्यों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्या भारती प्रांत प्रतिनिधि संतोषानंद गारू भिलवाड़ा विद्या भारती जिला अध्यक्ष अशोक व्यास उपाध्यक्ष मधुसूदन बहेड़िया सहमंत्री संजय लड्ढा जिला सचिव देवराज सिंह राणावत प्रधानाचार्य अविनाश छीपा सहित कई पूर्व छात्र मौजूद रहे। रौनक हिंगर ने सभी अतिथियों एवं पूर्व छात्रों का आभार व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।